बच्चे पर बहुत कमेंट। बिहार में नियोजित शिक्षक एक तरफ जहां सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार चुप्पी साधे हुए है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो बता दें आपको कि आज हमने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात करने की कोशिश की, जिसके बाद हमने सवाल यह किया कि नियोजित शिक्षकों को लेकर आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है। ऐसे में सम्राट चौधरी ने चुप्पी साध ली। बिहार में लगातार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। आज नियोजित शिक्षकों ने ऐलान कर दिया है कि हम एडमिट कार्ड जलाकर पूरे तरीके से पुरजोर विरोध करेंगे और सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। कई सारे नियोजित शिक्षक लगातार यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम योग्य हैं, हम 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं, हमसे काम लिया गया और अब जाकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, डराया जा रहा है और जबरन परीक्षा ली जा रही है, यह कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और लगातार आंदोलन रद्द होने को मजबूर है नियोजित शिक्षक। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चुप्पी जिस तरीके से साधी है, अब जाकर कई सारे सवाल उठने लगे। सवाल यह उठने लगा है कि एनडीए की सरकार आखिरकार नियोजित शिक्षकों को लेकर क्या कर रही है, आखिरकार एनडीए की सरकार क्या चाहती है नियोजित शिक्षकों को लेकर, आखिरकार एनडीए की सरकार को क्या मतलब नहीं है नियोजित शिक्षकों से। बीते दिनों शिक्षक प्रतिनिधियों ने देखा जाए तो सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी, घंटों घंटों तक मुलाकात हुई, बातें हुई, वार्ताएं हुई, जहां पर यह आश्वस्त किया गया कि आपको लेकर, आपकी मांगों को लेकर हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और आपकी मांगें पूरी करेंगे। ऐसे में आपकी मांग पूरी करवाकर आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो हल कर देंगे तमाम मामला। और ऐसे में इसको देखते हुए जब सम्राट चौधरी से हमने बात किया, इसको देखते हुए सम्राट चौधरी ने चुप्पी साध ली। बता दें आपको कि 2 दिन का समय दिया गया था नियोजित शिक्षकों को, कहा गया था कि 2 दिन में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कल परीक्षा होनी है। और इससे पहले सम्राट चौधरी की चुप्पी यह साफ दर्शाती है कि यह सरकार जो है एनडीए की वो शिक्षक विरोधी कहीं ना कहीं है, क्योंकि शिक्षकों के हित में जिस तरीके से काम करना चाहिए वो शिक्षकों के हित में काम नहीं कर रही है। कई सारे सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं। नियोजित शिक्षकों का मामला पूरे बिहार में चल रहा है, 4 लाख से ऊपर नियोजित शिक्षकों की बिहार में संख्या है, 1.5 लाख नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, लेकिन देखा जाए तो 2.5 लाख नियोजित शिक्षक अभी भी फॉर्म से वंचित हैं। यह साफ कहते हुए नजर आ रहा है कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, ऐसे में लगातार विरोध करेंगे। तो वहीं जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है वो भी लोग विरोध करने की बातें कर रहे हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी सरकार क्या कुछ करती है, लेकिन सम्राट चौधरी की चुप्पी यह साफ दर्शाती है कि सम्राट चौधरी हो या फिर एनडीए के कोई भी नेता हो, वो सत्ता में आते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारा मुद्दा भूल जाते हैं, सिर्फ ऐसे ही बयानबाजी करते हैं, कई सारे दावे करते हैं, लेकिन मुद्दा मेन जो है उस पे बात नहीं करते हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी नियोजित शिक्षकों का हल कब तक होता है। बिना किसी शर्त नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले, अगर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।